है गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग जो देख सकते हैं, मैं समझिए फिर से आप लोग क्लैश ऑफ क्लांस डाउनलोड 7 का वीडियो के साथ आ चुका है। 7 का सॉरी 10 बताने जा रहा था, और 7 का वीडियो मतलब भी आप लोगों को पता है डाउनलोड 7 रोड टू मैक्स वाला सीरीज। तो गाइस, एक और बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो अच्छा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और दोस्तों का साथ शेयर भी करना। और मैं बिल्डअप पोर्शन सब ले रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को पता है कि रोड टू मैक्स का सीरीज है, मतलब मैक्स मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करके अपग्रेड्स करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड्स करने के लिए, जल्दी जल्दी अपग्रेड्स करने के लिए मुझे बूस्ट करना पड़ रहा है। बूस्ट के लिए मुझे बिल्डअप पोर्शन बाय करना पड़ रहा है मेडल से, क्योंकि अगर हम लोग मेडल्स परचेस करें, मतलब मेडल सॉरी कह रहा हूँ क्या बताएं, अरे बोलो ना यार, मतलब बिल्डअप बूस्ट का जो स्पेल होता है वो मतलब परचेस करूँगा तो बहुत लग जाएगा, मतलब बिल्डअप पोर्शन परचेस करने में बहुत जेम्स लग जाएगा, जो भी ट्रेडिंग टाउनल 8 पे आता है, 7 पे नहीं तो भी ऐसे भी नहीं कर सकता था, या मुझे मेडल से ही करना पड़ा है। तो कुछ अटैक्स करूँगा अभी, पहला सर्च में अच्छा सा कुछ आ जाए तो ही बेहतर होगा, दूसरा सर्च में ना जाने पर। हाँ, तो होगा इसे अच्छा सर्च में आया है, और जो भी होगा इस लूट एलिक्सर का लूट अच्छा खासा ही है, तो जल्दी कर लेता हूँ, पर यहाँ से ही करूँगा क्योंकि ज़्यादा कुछ करने तो वाला नहीं। उसका ऑलरेडी एक एयर डिफेंस अपग्रेड्स में है, और बाकी दो इस सिचुएशन में एक तो टूट चुका और एक का हालत पूरा पूरी ख़राब है, और यहाँ पर ड्रैगन सो नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने का है नहीं, बहुत ही ईजिली यहाँ पर 3 स्टार हो जाएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस से दूर का बात है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस का बात आ ही नहीं रहा, बेस ही इतना ईजी है, बच्चा भी कर लेगा, कोई भी इसको 3 स्टार ईजिली कर लेगा। और ट्रॉफी अच्छा ही है, 17 ट्रॉफी अच्छा, मतलब मीडियम ही है, एकदम लो भी नहीं। रिसेंटली मेरा जो TH12 का अकाउंट है, मैं उस अकाउंट से एक अटैक किया था, दूसरे अकाउंट में मुझे ट्रॉफी मिला था, 9 ट्रॉफीज 3 स्टार में 9 ट्रॉफीज, मैं तो सोचकर हैरान था, बस अटैक किया इसने, लूट अच्छा था इसलिए अटैक किया था, 3 स्टार्स के लिए 9 ट्रॉफी, सोचोगे दोस्तों, मतलब पर स्टार 3 ट्रॉफी करके था, हैरानी का बात है। तो छोड़ो गाइज, हम लोग 12 TH12 का बात करना फालतू है, क्योंकि ये वीडियो है TH7 को ऊपर, तो TH7 को रिलेटेड ही बात करते हैं। तो गाइज, अटैक के लिए मुझे तो 3 स्टार ये हो चुके इजिली, ओ नो, फिर वाईफाई सिग्नल, वैसे दोस्तों वाईफाई सिग्नल नेट के लिए, दूसरों का नेट चुराने के लिए मज़ा लगता है, पर COC या कोई भी गेम पर वाईफाई सिग्नल बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो जो भी होगा इस कंप्लीट हो चुका है पहला अटैक, अभी फिर से क्विक ट्रेन में डाल देता हूँ, क्विक ट्रेन होगा दोस्तों, अभी चलता हूँ, बूस्ट हील नहीं करूँगा क्योंकि ये इजिली ऐसे ही हील हो जाएगा, कुछ ही सेकंड के लिए वेट करना, तो वेट कर लेता हूँ। 1234 जो भी होगा, कितना मुझे करना है टोटल पॉइंट्स, और एक बार देख लेता हूँ, 2260 मोर पॉइंट्स करना, तो कोई बात नहीं, तो एक और अटैक करते हैं, तो उसका बाद देखते हैं क्या क्या जा सकता है और क्या नहीं। तो पहले अटैक कर लेता हूँ, इसमें अटैक नहीं, अच्छा खासा लूट नहीं है, इस पे हम अटैक नहीं करेंगे, नहीं नहीं फालतू बैसे, तो देखते हैं गाइस क्या मिलता है, क्या अच्छा खासा बेस मिलेगा, तो ये अच्छा खासा बेस ही है, लूट भी एलिक्सर का अच्छा है, मुझे भी एलिक्सर लूट चाहिए। हाँ, तो ठीक ठाक है, अटैक यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, बूस्टर में करने का कोई ज़रूरत नहीं था, इसीलिए 3 स्टार हो जाएगी ये बेस। गाइस, TH7 से TH8 किया जा सकता है, पर TH12 से TH13 में इतने इजीली 3 स्टार क्यों नहीं आता है, भगवान जाने। जो भी हो, भगवान को ऊपर छोड़ देते, अभी हम लोग का इस गेम पर फोकस करते हैं, ये वाला पे एक और ड्रैगन यहाँ पर छोड़ना है, ओशियट इसने बार्बिडन किंग ने इसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी हो अभी ऐसे ही उड़ जाएगा ये बेचारा, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दूंगा यहाँ पर बार्बिडन किंग को, और बूम आ गया, उफ़ो, कोई बात नहीं, एक और है जो मुझे आर्मी कैंप का सामने छोड़ना है, उफ़
गोल्ड स्टोरेज को, कोई बात नहीं, मेरा डिस्ट्रक्शन से बात है, 3 स्टार से बात है, उसको लेता या इसको, 3 स्टार मुझे ऐसे ही मिलेगा, वैसे भी मिलेगा, तो कोई बात नहीं, 3 स्टार मिलेगा। 21 कहने जा रहा, सॉरी 30 जाएगा अगर हारा तो, 13 ट्रॉफी मिलेगा और अच्छा खासा लूट मिला। कितना लूट मिला आप लोगों को लास्ट में देख लूँगा, मुझे याद नहीं है कितना लूट मिला है। जो भी होगा, एलिक्सर का लूट अच्छा था, गोल्ड का लूट से कोई मुझे फ़र्क नहीं आता, क्योंकि मुझे पहले एलिक्सर का कंप्लीट करना, उसका बाद गोल्ड का, डिफेंसेस में बाद में करूँगा, पहले रिसोर्स वगैरह वगैरह का पहले कर लेता हूँ। और मुझे ट्रूप्स का जैसे भी आप लोग पहले में देख चुके होंगे, फिर मेरा सारे ट्रूप्स अपग्रेड हो चुके, बस रेज स्पेल का बाकी है, और रेज स्पेल लेवल 2 का, लेवल 3 में अपग्रेड में लगा चुका हूँ, और फिर 3 कंप्लीट हो जाने के बाद 4 में भी लगा लूँगा। तो जल्दी जल्दी मेरा पूरा रिसर्च टाउन हॉल 7 के लिए पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हर एक ट्रूप्स हर एक स्पेल कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा बारबेनकिंग को लेवल 2 अपग्रेड, और मतलब लेवल 2 मतलब और दो लेवल अपग्रेड करना है, दो लेवल अपग्रेड करना है, 2 लेवल्स अपग्रेड करना, जिससे मुझे मेरा बारबेनकिंग भी मैक्स आउट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं गाइस और क्या क्या अपग्रेड किया जा सकता है, अभी कुछ किया जा सकता है या नहीं। और वैसे भी हम लोग का क्लैन वार चल रहा है, CWL ख़त्म हुआ, हम लोग CWL को तो इजीली जीत चुके थे, टॉप लीड्स में थे। वैसे आप लोग देखे होंगे जिन लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स में हैं, और उसको रिलेटेड वीडियो भी बना था CWL का रिव्यू, और नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। और मेडल्स तो अभी बहुत सारा आप लोग को मिला होगा, उसको कैसे बचत करना है उसका भी वीडियो का लिंक आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी जाके चेकआउट कर लेना। मतलब एक बार करोगे तो सब कुछ मिलेगा, तीन को चीज़ के लिए बार बार करके चेक नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग की ये वाला बेस्ट चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। वही सेम बात, एक बार जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और मैं एयर डिफेंस को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 2 जो एयर डिफेंस था वो बस हो चुका, और एक बस मुझे एक और लेवल अपग्रेड करना है तो वो भी हो जाएगा। और मुझे शायद ज़्यादा कुछ अपग्रेड्स करना नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ ही अपग्रेड्स करना है, मेन डिफेंसेस और वॉल्स वगैरह तो कुछ ही सेकेंड मतलब आधा घंटा नहीं लगेगा शायद 15 to 20 minutes पूरा वॉल अपग्रेड्स हो जाएगा, उससे भी कम लगेगा शायद। तो जो भी हो, ये मेरा हम लोग का क्लैन वॉर चल रहा है, लेवल 13 का क्लैन का साथ हम लोग का पंगा पड़ा है। अच्छा, इन लोगों को मुझे डोनेशन भी देना पड़ेगा, इस बेचारा का बहुत लंबा डोनेशन मिलेगा मतलब मिला है, कुछ देर बाद आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा किसको क्या क्या चीज़ का डोनेशन मिला है, बस आप देखेंगे। अभी जो जिसको मैं अभी डोनेट करने वाला हूँ उसका डोनेशन, मतलब मैं क्लैन वॉर या CWL या CW में जितना भी बेस देखा हूँ, खुद का क्लैन का क्यों, और क्लैन का तो डोनेशन देखेगा नहीं किसको कितना है, मेरा क्लैन का जितना भी आज तक क्लैन का खेला उस, अभी तो मेरा खुद का क्लैन है पर पहले मैं खुद का नहीं था, दूसरों का क्लैन में खेला था। उसका बाद सोचा मैं क्यों दूसरों का क्लैन में खेलूँ, खुद का भी क्लैन बना लेता हूँ, पर शुरुआत में मुझे बनता नहीं था, मतलब बनता था मतलब अच्छा कोई प्लेयर नहीं मिल रहा था। फिर कुछ देर बाद इंतज़ार किया, मेरा बहुत बंदा ने मतलब मेरा बहुत फ्रेंड्स ने कहा था कि आ जा भाई मेरा क्लैन में, पर मैं अपना क्लैन करने का सोचा तो कर लिया, और बेचारा को क्या डोनेशन मिला खुद देख लीजिए आप लोग, कितना लंबा डोनेशन चेन है उसका, नॉर्मल जो मिलता उससे भी थोड़ा आगे चला गया, सोचिए दोस्तों। और किस किस को क्या क्या डोनेशन देना है पहले वो भी चेक कर लेता हूँ, बेचारों को लंबा डोनेशन मिल चुका है, लेवल 4 का ड्रैगन, लेवल 6 का लून, लेवल 2 का मिनियन, लेवल 5 और लेवल 4 का 6-6 करके 8 शेयर मिला है, और इसको तो लेवल 3 का ड्रैगन जो मेरा ही अकाउंट है, लेवल 1 का बेबी ड्रैगन, लेवल 2 और लेवल 5 का 4 मिनियन, सॉरी 8 शेयर, और इसका लेवल 1 का 1 इलेक्ट्रो, इसका लेवल 1 का 1 इलेक्ट्रो, लेवल 6 का 1 लून, और फिर इसको गया लेवल 4 का 1 ड्रैगन, लेवल 6 का 1 लून, और इसका लेवल 1 का ड्रैगन और लेवल 1 का लून, मैं लेवल 6 का 1 लून, इसका भी सेम लेवल 1 का इलेक्ट्रो ड्रैगन और लेवल 6 का 1 लून, इसका बस लेवल 1 का इलेक्ट्रो ड्रैगन, लेवल 1 सॉरी इसका लगाया लेवल 4 का ड्रैगन और लेवल 6 का लून,
इसका पास है लेवल 1 का इलेक्ट्रो ड्रैगन, इसका पास कुछ नहीं है, मतलब उसके पास तो इसका पास कुछ जाएगा, इसका पास भी थोड़ा बहुत जाएगा, ये पूरा है और इसका भी पूरा ही है। बस दो जन को मुझे डोनेशन देना है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जो मैं कांड करने जा रहा हूँ सबसे मुझे गाली मिलेगा पता है बाद में क्लैन में, क्योंकि मैं सबको आर्चर डोनेट करूँगा, आर्चर जस्ट आर्चर, 10 को आर्चर करना, इसको पास उसको पास देना, अभी माइनस करूँगा पता भी, एक बार चेक कर लेता हूँ, 10 ही तो ज़्यादा तो नहीं करना होगा। इसका 5 डोनेशन लेफ्ट है, इसका भी 5 डोनेशन लेफ्ट है, नहीं गाइस बस 10 ही डोनेशन करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, और वो फिर से वाईफाई सिग्नल, यार दोस्तों बहुत सर खा जाती है वाईफाई सिग्नल अब मेरा, मुझे एकदम पसंद नहीं है, पता है किसी को भी पसंद नहीं है पर मुझे थोड़ा खास ही पसंद नहीं है, खास करके मुझे ये सिग्नल पसंद। सॉरी गाइस मुझे थोड़ा ही से नीचे लाना पड़ा नोटिफिकेशन का सेटिंग्स, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ नोटिफिकेशन चेक करना था, मेरे सर ने बोला था चेक करने के लिए, चेक करना पड़ा, कोई बात नहीं। अभी डोनेशन देने का वक्त आ चुका पर डोनेशन दे नहीं पा रहा हूँ वाईफाई सिग्नल की, वाईफाई सिग्नल पर डोनेशन जाता नहीं है, पर कुछ देर वेट कर लेता हूँ। और गाइस कहिए आप लोग का CWL का हालत किस लेवल तक है, मतलब किस लेवल तक था। ओफो फिर से कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कोई बात नहीं फिर से रिस्टार्ट कर लिए। और आप लोग कहिए आप लोगों का क्लैन कौन सा लीग पे है, कौन सा पोजीशन में था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो गाइस अभी डोनेशन दे दिया, अब डोनेशन हो जाएगा कि वाईफाई सिग्नल का जो झमेला नहीं है, अभी कोई वाईफाई सिग्नल का झमेला नहीं है, पता है मुझे मैं जो कांड करने वाला कांड कर रहा हूँ उसे मुझे बहुत गाली मिलेगा बाद में क्लैन में। एलेक्स 28 में हर्ट क्लैन में कोई गाली देगा नहीं, अकाउंट बैन होने का चक्कर में इंस्टाग्राम में मुझे बहुत गाली मिलेगा पता है। तो गाइस बहुत सारे इवेंट्स हैं, खेलिए मज़ा कीजिए, मतलब अभी नहीं है कुछ दिन बाद आ जाएगा, एक आ रहा है 1 day 13 hours और एक आ रहा है 4 day 13 hours, तो तब हम लोग करेंगे इसका रिलेटेड कुछ वीडियो, पता नहीं है कि इवेंट क्या है इसका रिलेटेड कुछ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। और गाइस तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर दिया, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लैश ऑफ क्लैंस इनसेंस और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस अलविदा।